हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग चोरा का टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे आए मुझे हैं तो पहले एक्चुअल बता में। इसलिए और एग्जैक्टली ये भद्रावती के टुडे पास पड़ता है, मतलब जैसे आप अगर नागपुर से चोरा का टाइगर रिजर्व घूमने का प्लान अगर करेंगे तो आपको नागपुर से करीब 1-3 घंटे का बाय कार बाय रोड आप ट्रैवल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये भद्रावती चोरा सफारी है, जंगल आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये, और एक तरह से ये अनटच्ड है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ज़्यादा विजिटर्स की ये नहीं है। एक्चुअल उसके पीछे कारण ये है कि अभी भी यहाँ पे जो सफारी होती है वो ऑनलाइन बुक करने के लिए अवेलेबल नहीं है। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो भी है यहाँ पे इसको डेवलप करने और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अभी उनके अंडर में ये चीज़ आई नहीं, शुरू नहीं हुई है। पर वन थिंग मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे टाइगर्स काफ़ी नंबर में हैं और बाकी एनिमल्स भी काफ़ी सारे हैं। बट वन थिंग इज़ कि एक तो जंगल काफ़ी डेंस है, बहुत ही घना है, और एनिमल्स जो हैं वो अभी ज़्यादा आते नहीं हैं सामने। मीन्स देर आर गुड नंबर ऑफ टाइगर्स, पर आप जैसे आप सफारी के लिए यहाँ पे आते हैं तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि आपको कोई एनिमल साइट होगा। जनरली अगर एनिमल दिख भी जाए तो वो तुरंत ही डीप जंगल में या झाड़ियों में, बुशेस में चले जाते हैं। तो हमने देखे ऐसे एक्चुअली, हमें सफारी के दौरान मोर दिखे बहुत सारे, और बारह सिंगा दिखा, हिरण दिखा। बट वही था कि हमने गाड़ी रोक करके जब तक हम उनको देख पाते उन्होंने हमें देख लिया और वो जंगल में अंदर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा कि जैसे ताड़ोबा में क्या होता है कि वहाँ पे एनिमल्स बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं विजिटर्स के, मतलब जैसे आप वहाँ पे जा रहे हैं और आपकी जिप्सी वहाँ से जाती है तो अगर कोई एनिमल वहाँ आसपास में सराउंडिंग में है तो वो देख के गाड़ी को भागता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि वो भी आपको स्टेयर करता रहेगा और आप तो देखते रहिए, अगर टाइगर भी दिख गए तो टाइगर अपने ही स्वैग में चलते जाएंगे वहाँ। और बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं वो लोगों के, मतलब उन्हें इस तरीके का ये नहीं है कि एकदम छुप जाएंगे या ये वो, अपनी अपनी मस्ती में अपने हिसाब से बिल्कुल रहते हैं वहाँ। पर इस जंगल में एक चीज़ मैंने मार्क की कि एनिमल दिखे हमें पर जब तक हम उन्हें शूट कर पाते, कुछ भी कैप्चर कर पाते हम, तब तक वो चले गए। पर एट द सेम टाइम जंगल बहुत ही सुंदर है और एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा किया हुआ है कि यहाँ पे पानी के बहुत सारे ऐसे बीच बीच में तालाब बना दिए हैं डिपार्टमेंट ने। तो इस वजह से क्या है कि एनिमल्स के लिए अभी समर में काफ़ी अच्छा रहेगा, उन्हें पानी की कमी नहीं होगी। और मे बी अभी समर और ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो साइटिंग भी शायद उनकी बढ़ने लग जाए, क्योंकि फिर मोस्टली एनिमल्स जो है वो पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। तो एक और एक कारण ये भी था हमें थोड़े कम एनिमल साइटिंग होने का कि जस्ट सफारी शुरू होने के पहले कुछ थोड़ी सी बारिश हो गई थी,
वेदर थोड़ा सा ठंडा हो गया, इस वजह से भी ऐसे ज़्यादा साइटिंग नहीं हो पाई, पर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि यहाँ पे अगर सफारी करनी हो तो आपको आपकी खुद की पर्सनल व्हीकल अलाउड है यहाँ पे, आपकी खुद की कार, फोर व्हीलर कोई भी लेकर के आप आ सकते हैं। टाइम पे ही आपको गेट पे बुकिंग मिलेगी, आपको सफारी बुक करना है वहाँ पे, हमने कुछ 850 रुपीज़ पे किया, और साथ में आपके गाइड आएगा गाड़ी में, और वो बहुत ही अच्छे से आपको जंगल में घुमा देगा, मतलब कहाँ से कैसे जाना चाहिए, जस्ट जंगल इतना ये घुमावदार रास्ते, और ऐसा होता है कि अकेले पर्सन के लिए जाके लौट पाना तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर गाइड काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पॉसिबली जितना हो सकता था मैक्सिमम जगहों पे घुमाया, और बस वो गाइड आपके साथ में वहाँ से गेट से आ जाएगा गाड़ी में, और उसके बाद में आप उनके साथ आराम से जंगल में अंदर घूम सकते हैं। करीब 4 घंटे का टाइम है, तो मॉर्निंग में आई थिंक मॉर्निंग का 6 to 10 है टाइम, और इवनिंग का 2:30 to 6:30, तो ये टाइम पे सफारी की जा सकती है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि जंगल में जैसे आप सिर्फ एक टाइगर की बात नहीं करें तो बाकी दूसरे एनिमल भी अगर आपको दिखते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बहुत हेल्दी हैं एनिमल, मतलब साइज लाइक हमने जो मोर वगैरह देखे काफ़ी बड़े साइज़ के और बहुत ही हेल्दी और ब्यूटीफुल थे। एक ही सिर्फ प्रॉब्लम थी कि शाय है, मतलब वो बिल्कुल भी जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि गाड़ी या कुछ भी आवाज़ उनके आसपास हुई वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, पर हाँ मेरे पास पहले के कुछ शूट है क्योंकि मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ यहाँ पे, तो कुछ क्लिपिंग्स हैं मेरे पास, और आज बस जो कुछ थोड़ी बहुत साइटिंग हुई वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है, और इसमें एक चीज़ है, अंदर बैम्बू के प्लांट्स ट्रीज़ बहुत सारे हैं बैम्बू का, और इसका कुछ आई डोंट नो क्या है, बैम्बू कटिंग वगैरह का कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चालू रहता है, एंड हमने देखा कि अंदर एक कुछ आदिवासी लोग भी बसे हुए थे जो कि वहीं रहते हैं, और ये जंगल के छोटे मोटे काम करके और लाइफ अपनी वहाँ पे स्पेंड करते हैं, और ये बेसिकली जो ताड़ोबा में हम इराई डैम देखते हैं मोरली के मोरली गेट के उधर, तो वो जो मोरली गेट की साइड में जो हम जो साइड देखते हैं डैम का, उसका जो दूसरा किनारा है अपोजिट साइड, वो इस जंगल से लगा हुआ है। तो एक तरह से ये ताड़ोबा का एक अनसीन पार्ट कह सकते हैं इसे, जो कि अभी ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, और ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ हम आए हैं एक ऐसे ही कुंड के पास में, जहाँ पे एक मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर किया था कि ये तालाब के पास में यहाँ पे एट ए टाइम 3-4 टाइगर दिखे थे। एक्चुअली ये फीमेल है वंदना, काफ़ी फेमस टाइग्रेस है, और उसके बच्चे हैं,
मैं आपको दिखाती हूँ वापस से वो क्लिपिंग, ये देखिए एरिया, और ये टाइग्रेस वंदना। देखिए आपने कितनी ब्यूटीफुल है। एक्चुअली काफ़ी हेल्दी टाइगर्स हैं और बिल्कुल ऐसे सामने में दिख जाते हैं जब टाइगर्स, तो लगता है वाह जस्ट इतना मेहनत किया हमने, इतना जंगल में आए अंदर तक और फिर ऐसा दिख जाता है तो बस सब वसूल हो जाता है। तो आप भी एक बार प्लान कीजिए, गाड़ी खुद की लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जंगल की तरफ से फॉरेस्ट की तरफ से नहीं है कुछ घूमने के लिए, अपनी गाड़ी से घूमना पड़ेगा। और एक विजिट यहाँ पे करके देख सकते हैं आप, क्योंकि होने को तो वैसा ताड़ोबा में भी बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत कंटिन्यूस बहुत देर तक सफारी या दो दो तीन तीन सफारी करते हैं, बावजूद उसके हमें साइटिंग नहीं हो पाती है। और मीन्स इट में बी लक की बात भी हो सकती है कि कभी अचानक ही साइटिंग हो जाती है, और नहीं तो बहुत हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो दिखना ही चाहिए और उस दिन कुछ नहीं दिखता। बट आज मेरा लक अच्छा था और मुझे और भी बहुत आगे एडवेंचरस कुछ कुछ हुआ इस सफारी में, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जस्ट हमारी जब सफारी ख़त्म हुई तब बहुत ही एडवेंचरस चीज़ें हो गई। तो एक्चुअल में ये यहाँ आने के लिए चंद्रपुर से भी आया जा सकता है, चंद्रपुर से भी ये करीब 40-50 किलोमीटर दूर है, और नागपुर से अगर जाते हैं तो नागपुर से करीब 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ कि यहाँ आसपास के सराउंडिंग में जो विलेजेस है छोटे, वो भी बिल्कुल ही अभी रॉ है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे अभी कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, लाइक नाश्ता चाय पानी खाना कुछ भी नहीं। आपको उसके लिए पास की जो एक सिटी है भद्रावती, वहाँ पे से ही सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो, या फिर अपने साथ में ही पार्सल लाइए खाने का, आप खाना गेट के पास बैठ करके खा सकते हैं और उसके बाद सफारी पे जा सकते हैं। पर अभी क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी उस तरीके से इसे डेवलप नहीं किया गया है, तो एक रॉ जंगल के पास जाने का ही एन्जॉयमेंट आप ले सकते हैं, कि जहाँ पे अभी ज़्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, जहाँ पे गांव भी एकदम छोटे गांव और बहुत ही प्योर फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा ऐसा नॉइज़ नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस आया है। और मुझे लगा कि इस जगह के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऐसी जगह भी विजिट कर सकते हैं। और यू कैन डू वन थिंग कि आप ताड़ोबा के साथ ही इसे भी प्लान कर सकते हैं, वहाँ से भी सफारी आती है यहाँ पे जिप्सी, आप ताड़ोबा की बुकिंग करेंगे वहाँ से आप इधर आकर के भी कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने कि चोरा जो है वो भद्रावती फॉरेस्ट रेंज में आता है, और ये चोरा विलेज जो है वो ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट जो है TATR, ये जो नेशनल टूरिस्ट पार्क है इसी के अंडर में आता है, बफर और कोर जोन में। और यहाँ पे आपको चंद्रपुर
डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब चंद्रपुर से यहाँ कनेक्ट आना भी बहुत इजी है। तो जैसे ताड़ोबा की सफारी आप प्लान करते हैं तो उसके साथ ही साथ ये सफारी भी प्लान कर सकते हैं। आपको जिप्सी जो है वो ताड़ोबा से डायरेक्ट यहाँ की सफारी बुक होती है, और वहीं से आप इस तरफ डायरेक्ट जिप्सी में आके और तब सफारी पे जा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, इस तरह से आप ये सफारी प्लान कर सकते हैं। पर हाँ, वही है कि पहले से बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी, यहाँ गेट पे आने के बाद में ही आपको जो भी एंट्री चार्जेस हैं वो दे करके और तब अंदर जा सकेंगे सफारी के लिए। और बाकी वाइल्ड लाइफ में विजिट करने और जाने का जो कुछ भी एक बेसिक रूल्स होते हैं वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। और देखिए क्या हुआ उस दिन, सबसे एडवेंचरस सफारी ख़त्म होने के बाद में शाम को जब हम अपने रास्ते पर लौट रहे थे, तब हमारी गाड़ी के आगे आगे बाइसन चल रहा था। उसके अलावा हमने वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही वहाँ से स्लॉथ बियर मेन गेट से गुजरा। अरे ये रोड पे ही आ रहा है क्या? हाँ ये आ गया, ये आ गया। चलो ना, चलो सर। अरे तो तेज भरोसा नहीं रे। चला ना वो सर। तो एक टा है अटैक के लिए। चलो सर। तुम्हारे ये बंद है ना? रोड क्रॉस कर। तुम्हारा ये बंद है ना? ये बंद है ना? क्या? ये कैमरा। हाँ बैटरी खत्म। ये सामान क्या सर? जाओ जरा, काहीच नाही करत, काहीच नाही करत। अबे काहीच नाही करत। आय कुठे दिसत? येऊ दे ना, असंच दिसते ना रे। रोड क्रॉस करेल का आपल्यापाशी येईल? समोर चालला। थांबला थांबला थांबू ना, थांबा। या समोर घ्या। एक आहे डुक्कर गेला, हे राज डुक्कर क्रॉस झाला, इकडे लेफ्टला गेला। ते बाय तू उभा आहे बा रोडच्या किनाऱ्याला। ते बाय समोर चालला रामजवा, सीधा चालला का? अरे ए दधद कशाला ओरडतंय? अरे अरे या समोर ओ येईल ना तो गाडी पोल गेली कुठते? अरे ए नको दादा, नको बोलव रे गाडी जवळ। ये सबका टाइम क्या? वो रहा उधर एक और है, ये वाइल्ड बोल रहा उधर है। हाँ देखो वो ग्रुप ही रहेगा। हाँ सीधा जाते का तो कुठे दिसले बघा। थांब, कोण रोडवर येत आहे का? पलटवणार कसं? पाय इथे गड्डा आहे, पाहून तर पीछे देखता। हा पीछे गड्डा आहे। लागते का रिवर्स? हो लागेल, थोडासा वेळ लागतो। लाईट
देखना सामने। अच्छा ये है बाइसन, इधर नहीं आएगा, अभी टेंशन नहीं है क्योंकि नाली है ना। देखा बाप रे, कुठे मूव झालं? तिथेच उभा आहे, तिथेच उभा आहे, तिथेच। इधर किसी और जानवर की आवाज आ रही है। हो